गुड मॉर्निंग वंस अगेन स्टूडेंट्स, वी आर रीडिंग आर पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. आई थिंक आई सेंड यू टू वीडियोज अर्लियर अबाउट दिस पोएम एंड आई थिंक यू ऑल्सो अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स वेरी वेल. टिल देन वी रेड दैट इट्स द पोएम इज एक्चुअली अ बैलड एंड द बैलड हैज़ सो मेनी क्वालिटीज. लाइक द बैलड हैज़ अ स्टोरी एंड इट्स ऑल्सो अ पोएम. ठीक है, एंड वॉट एल्स, इट्स एज इन द फॉर्म ऑफ अ सॉन्ग. स्टोरी होती है, पोएम होती है, एक सॉन्ग होता है, और क्या क्या होता है इसमें, एक मॉरल मैसेज दिया होता है. ठीक है, और क्या क्या होता है इसमें, इट कंसीडर द फोक कल्चर ऑल्सो. ठीक है, इसके अंदर फोक कल्चर भी होता है. एंड नेक्स्ट इसमें क्या होता है बेटा, दैट इट पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. ये सब क्वालिटीज़ होती है एक बैलेड की. तो हमारी ये जो पोएम है टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये बेसिकली क्या है, एक बैलेड ही है. ठीक है, और बैलेड में हमने क्या पढ़ा है कि देर इज़ अ गर्ल बलिंडा हु लिव्स इन अ लिटिल हाउस विद फोर ऑफ हर पेट्स. द पेट्स आर लिटिल ग्रे माउस, नेम इज़ ब्लिंक, एंड द लिटिल ब्लैक किटन, द नेम इज़ इंक. ठीक है, लिटिल येलो डॉग, नेम इज़ मस्टर्ड, एंड वेरी क्वाडाइस ड्रैगन विच इज़ कॉल्ड एज ए कस्टर्ड. यानी कि चार पेट हैं, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड और कस्टर्ड. इंक इज़ द नेम ऑफ ब्लैक किटन, ठीक है, ब्लिंक इज़ द नेम ऑफ माउस, एंड मस्टर्ड इज़ द नेम ऑफ अ डॉग, एंड कस्टर्ड इज़ द नेम ऑफ अ ड्रैगन. तो इन चारों के साथ रहती है. अब इसमें खास बात क्या है, द थिंग इज़ दैट ऑल द अदर पेट्स मेक फन ऑफ ड्रैगन. वाई, बिकॉज ही ऑलवेज क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज. But the bravery of other characters are also suggested that Belinda is very brave as the collection of a bears. ठीक है, Ink and Blink has so much courage that they can also chase a lion down the stairs. And Mustard is so much rageous as a tiger in a great rage. ठीक है, सारे के सारे इतने ज़्यादा ब्रेव हैं, लेकिन द ड्रैगन कस्टर्ड ऑलवेज क्राइड फॉर नाइस सेफ केज. सो ऑल द अदर कैरेक्टर मेक फन ऑफ हिम. बलिंडा टॉन्टिंग हिम अनमर्सीफुली, वेरी क्रूली शी टॉन्टिंग हिम. ठीक है, एंड इंक एंड ब्लिंक एंड मस्टर्ड आस्क्ड हिम हिज एज टू मेक फन ऑफ हिम. दे ऑल्सो कॉल्ड हिम परसीवल, हु इज ऑल्सो अ वेरी ब्रेव कैरेक्टर, बट इन आयरनिकल वे दे कॉल्ड हिम परसीवल. But dragon always keep quiet and always demand for a nice safe cage. Then it's the time to twist the story. There is a twist in the story when Belinda and other creatures heard a nasty sound. जब उनको एक nasty sound सुनती है तो सारे के सारे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि कौन है. They saw that a pirate is coming through a window. कि कौन आ रहा है, window से एक pirate आ रहा है. All other characters confused हो जाते हैं. Belinda turned pale and cried for help. Ink and Blink also find a safe hole in the basement of the house. And what? Mustard also confusingly ran out. Then who helped them? Then the custard. Custard at once rose in a great fury and he attacked the pirate with his tail. He makes such a terrible sound as a prisoner in a dungeon. And he also make the pirate afraid as he shot two bullets on him. But every time it missed the dragon. Then what happened? The dragon at once swallowed the pirate with his pistol and they get rid of the pirate. All of them are very happy. Now Belinda embraced him, Mustard licked him, and Ink and Blink in glee gyrated around a custard. In this way all the characters are happy. So ab kya hota hai? Now what happened? Now we see. But presently up spoke little dog Mustard. I have been twice as brave if I had not been confused, flustered. ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, एकदम से डॉग मस्टर्ड बोला दैट
that he would be twice brave if he had not become confused. Flustered का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, हुआ है confused, ठीक है. तो एकदम से mustard क्या कहता है कि वो दोगुना ज़्यादा courageous होता अगर वो confused नहीं हुआ होता, ठीक है. And up spoke ink and up spoke blink, ink और blink भी साथ में बोलते हैं कि they could be the thrice courageous than the dragon if they are equally not confused. But dragon agreed with everyone and again demanding for his nice safe cage. So it's the time when the falsehoodness of other character is shown. अब सभी कैरेक्टर की जहाँ पे दिखावा हाइपोक्रेसी दिखाई गई है वो दिखाया गया है कि सारे के सारे क्राइसिस के समय पे तो बिल में छिप गए लेकिन अब अपने फिर से ब्रेवरी को ब्रैग कर रहे हैं, ठीक है. सो ऑल द अदर एनिमल प्रूव्ड वेरी क्वाड, दे स्टिल कैप्ट ऑन ब्रैगिंग अबाउट देयर ब्रेवरी. बहुत ज़्यादा क्या है, क्वाड है, कायर है, लेकिन फिर भी अपनी बहादुरी को क्या कर रहे हैं, ब्रैग कर रहे हैं. द डॉग मस्टर्ड ऑल्सो said that it would have shown the bravery twice that of the custard if it had not been agitated, मतलब confused नहीं हुआ होता तो वो दुगना बहादुर होता, ठीक है. Cat and mouse, they also remarked that they would have also shown thrice bravery than that of the dragon, but they are still confused very much, ठीक है. But this time the brave, really brave custard, what, didn't say anything. Who acted very fearlessly. Now again, he didn't boast of himself, but very modestly demanded for his nice safe cage. ठीक है, बड़े आराम से वही चीज़ें मांगते जो उसको पहले चाहिए होती हैं. Next is, Blinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little wagon and her little pet dragon. फिर से हमारे पैसेज जो है रिपीट होते, इसको हम रिफ्रेन भी बोलेंगे. तो बिलिंडा भाई आज भी अपने छोटे से घर में, सफ़ेद घर में रहती है जहाँ पे उसका छोटा काले रंग का बिल्ली का बच्चा है, लिटिल ग्रे माउस है, उसका छोटा सा येलो कलर का डॉग है. आज भी अपनी लाल गाड़ी में बैठी रहती, वैगन का मतलब क्या होता है, गाड़ी, ठीक है, छोटी गाड़ी होती है. और सच में ही बिल्कुल सही बात है कि उसका एक पेट ड्रैगन भी है. एक्चुअली दिस स्टैंजा इज रिपीटेड, व्हाई दिस स्टैंजा इज रिपीटेड, रिपीटेड बिकॉज टू गिव द यूनिटी टू द पोएम. पोएम को एक यूनिटी देने के लिए रिपीट किया गया. कोई पूछे ना कि रिफ्रेन क्यों यूज किए जाते हैं, तो पोएम को यूनिटी देने के लिए रिफ्रेन यूज किए जाते हैं. इट ऑल्सो शोज दैट द लाइफ ऑफ द बिलिंडा एंड हर पेट्स हैज रिटर्न नॉर्मली आफ्टर द पायरेट इंसिडेंट, कि सब चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं पायरेट के जाने के बाद भी, ठीक है. नेक्स्ट स्टैंजा सेज दैट बिलिंडा इज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, इंक ब्लिंक चेजेस लायन डाउन द स्टेयर्स, मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेज, कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज. बिल्कुल वही बातें फिर से, ये फिर से हमारा रिपीटेशन में है. दिस इज द रिपीटिंग स्टैंजा एंड अगेन द पोएट सटायरिकली, सटायरिकली मतलब टॉन्टिंग, आयरनिकल वे में सटायरिंग करते हुए रिमार्क करता है कि बिलिंडा वॉज एज ब्रेव इक्वल टू दैट ऑफ द बियर्स एंड वॉट एल्स. इंक एंड ब्लिंक आर ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी ब्रेव बिकॉज दे कैन ऑल्सो चेज द लॉयन डाउन द स्टेयर्स. नेक्स्ट इज दैट मस्टर्ड इज ऑल्सो वेरी ब्रेव बिकॉज इट हैज ऑल्सो बीन कंपेयर टू दैट ऑफ एंग्री टाइगर. एंड नेक्स्ट द कस्टर्ड. Custard is also very brave. Why the custard is called brave? Because it still longs for the comfort of the nice safe cage. सभी की वही condition दिखाई गई है जैसे कि ये लोग पहले थे, ठीक है. तो क्यों दिखाई गई है, क्योंकि ये लोग कोई भी बदलाव नहीं करते हैं. Here the satire is obvious. बिल्कुल सही बात है, irony है, बिल्कुल सही बात है, एक satire है यहाँ पे. कैसे, क्योंकि the cat, mouse and the dog, they have cut a sorry figure एट द क्रिटिकल आर, क्योंकि उन्होंने तो अपने आप को सॉरी फील करा लिया, मुसीबत आई तो उन्होंने एक्सक्यूज दे दिया, ठीक है. वेन देयर हेल्प इज नीडेड, जब सबको जरूरत थी तो वो अपने आप को क्या करते हैं, एक्सक्यूज देते हैं. लेकिन कस्टर्ड कंसिडर्ड, कस्टर्ड जिसको सबको ही टिमिड कंसिडर करते थे, सबको ही जिसको डरपोक समझते थे, वो कैसा निकला, ही डिस्प्लेड एग्जैम्पलरी ब्रेवरी. उसने बहुत ज़्यादा ब्रेवरी क्या की है, दिखाई है, ठीक है. एंड सेव द लाइफ ऑफ ऑल द इनमेट्स बाय किलिंग द पायरेट, और सबकी ज़िंदगी बचाई है. और वो सब कौन है, उस वाइट हाउस में रहने वाले इनमेट्स है, यानी कि हैबिटेंट्स है वहाँ के, ठीक है.
एक्चुअली क्या है कि दिस स्टैंजा शोज दैट बिलिंडा कैट माउस डॉग ऑल आर इनकॉरिजिबल ब्रैगर्ड्स. ब्रैगर्ड्स मतलब बड़ाई करने वाले, इनकॉरिजिबल मतलब जिसको सुधार नहीं सकते. ये चारों के चार वो हैं जो कि अपने आप को सुधार नहीं कर सकते और जो कि ब्रेवरी जो कि क्या करते रहेंगे अपनी जो कि अपनी बड़ाई करते रहेंगे. द ड्रैगन ऑन द अदर हैंड, जबकि ड्रैगन कैसा है, ड्रैगन ऑन द अदर हैंड इज मॉडेस्ट. ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा मॉडेस्ट है, एक हम्बल क्रिएचर बोलते हैं हम इसको. आफ्टर द पायरेट इंसिडेंट द रिमार्क अबाउट बिलिंडा एंड हर पेट्स आर आयरनिकल. लेकिन पायरेट के इंसिडेंट के बाद हम कह सकते हैं दैट दिस रिमार्क इज एब्सोल्युटली करेक्ट दैट ऑल आर ब्रैगर्ड्स एक्सेप्ट ड्रैगन. ड्रैगन कैसा है, ड्रैगन तो बहुत ही ज़्यादा हम्बल और बहुत ही ज़्यादा अच्छा करेक्टर है. ठीक है, तो क्यों रिपीट किया गया है, एक आयरनिकल वे में, सेटायरिकल वे में रिपीट किया गया है सभी करेक्टर को उनके ब्रैगर्ड वे में दिखाने के लिए. ठीक है, सो नाउ लेट्स रीड द समरी ऑफ दिस पोएम. इन द समरी वी विल गेट टू नो अबाउट द करेक्टर्स, अबाउट द लिविंग कंडीशन, यानी कि जो भी हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा है वो सब हम पढ़ेंगे अपनी समरी में. ठीक है, तो एक बार ज़रा फटाफट देख लेते हैं समरी के बारे में क्या है समरी में. ठीक है, लेट्स सी. हाँ जी, सो समरी में सबसे पहले बताया गया है हमें किसके बारे में, बिलिंडा के बारे में, कि कौन है. एक लड़की बिलिंडा है, उसके हैं छोटे से घर में रहती है, व्हाइट हाउस में रहती है. शी लिव्ड देयर विद हर पेट्स, अपने पेट्स के साथ रहती है. देन देयर वर द ब्लैक किटन, ग्रे माउस, लिटिल येलो डॉग एंड अ कस्टर्ड नेम्ड एंड अ ड्रैगन नेम्ड कस्टर्ड. ये चारों पेट उसके साथ रहते हैं. अब उनके नाम बताए गए हैं कि ब्लैक किटन का नेम है एंक, माउस का नेम है ब्लिंक, डॉग का नेम है मस्टर्ड. ठीक है, और जो ड्रैगन है उसका नाम क्या है, कस्टर्ड है. तो अब उनके बारे में क्या स्पेशल थिंग बताई गई है, दैट ऑल द कैरेक्टर, ऑल द क्रीचर एक्सेप्ट द कस्टर्ड आर वेरी ब्रेव एंड करेजियस. कैसे, दे आर वेरी ब्रेव, दे आर वेरी करेजियस, बट द कस्टर्ड हु इज थॉट टू बी वेरी ब्रेव बट कस्टर्ड ऑलवेज सीम्ड वेरी मीक एंड क्वाड. मीक का मतलब क्या था, टिमिड, डरपोक. क्वाड मतलब कायर दिखाई देता है. क्यों, क्योंकि हमेशा लॉन्ग्ड करता है, हमेशा ये अपनी इच्छा करता है, विश करता है, ऑलवेज लॉन्ग्ड फॉर ए नाइस सेफ केज. बिलिंडा एंड हर पेट्स मॉक्ड एट हिम. बिलिंडा और जितने भी पेट्स हैं वो उसकी मॉकिंग करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं आउट. ठीक है, अब ये आउटवर्ड डिस्क्रिप्शन है ड्रैगन का, कितना भारी भरकम ड्रैगन होके हमेशा सेफ्टी के लिए चिल्लाता रहता है. आउटवर्डली द ड्रैगन इज वेरी बिग एंड इट हैज अ वेरी बिग शार्प टीथ. बहुत बड़े बड़े दांत है, बहुत बड़ा खुद है. उसका माउथ बिल्कुल फायर प्लेस की तरह पे है और उसके टोज पे क्या है, डैगर्स हैं, छुरी लगे हुए हैं. ठीक है, ऑल द पेट्स एंड बिलिंडा ऑल मॉक्ड एट हिम बिकॉज ऑफ हिज टिमिडिटी, बिकॉज ऑफ हिज लैक ऑफ करेज के लिए. क्यों, क्योंकि बिलिंडा की ब्रेवरी कैसी है, एज लाइक द ब्रेवरी ऑफ अ बैरल फुल ऑफ बियर्स. ठीक है, इतनी ब्रेव है एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स. इंक और ब्लिंक कैसे हैं, कुड चेज द लायन फॉर हिज टिम. ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, लायन को चेज कर सकते हैं. मस्टर्ड कैसा है, मस्टर्ड वॉज इट एज ब्रेव एज अ टाइगर. तो यहाँ पे सिमिली के रूप में इनका कंपैरिजन किया है. नेक्स्ट, कस्टर्ड के बारे में क्या कहते हैं, लेकिन कस्टर्ड के लिए तो सभी टॉन्टिंग करते हैं. बिलिंडा ऑल्सो टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली. अनमर्सीफुली मतलब बिना दया किए उसका मजाक उड़ाती रहती है. ब्लिंक और मस्टर्ड क्या कहते हैं, उसको परसिवल बोलते हैं जो कि बहुत महान योद्धा था. ठीक है, उसकी एज पूछते हैं सो दैट दे कैन टॉन्ट हिम. एज क्यों पूछते हैं, ताकि उस पर टॉन्टिंग कर सके. लेकिन बेचारा पुअर कस्टर्ड हमेशा क्राई करता रहता है, किस चीज़ के लिए, नाइस सेफ केज के लिए. देन देयर केम द ट्विस्ट, कि एक पायरेट वहाँ पे आता है. ठीक है, दे हर्ड अ नेस्टी साउंड. देयर नेस्टी का मतलब क्या होता है, वेरी टेरिबल, वेरी अफ्रेड, डरावनी भयंकर आवाज़ होती है. डॉग ग्रोवल करता है, कुत्ता गुर्राता रहता है और चारों ओर देखता है. फिर उन्हें दिखता है कि अ पायलट वॉज क्लाइंबिंग थ्रू द विंडो. ठीक है, ही हैड पिस्टल इन बोथ द हैंड्स, ही हैड ऑल्सो बिग डैगर इन हिज माउथ. डैगर की बजाय आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, कटलेस, जो कि हमारी पोएम में दिया हुआ है. छोटी सी स्वॉर्ड, छोटी तलवार होती है, कटलेस. हिज बेड वॉज ब्लैक, और उसकी बेड कैसी है, ब्लैक है. इसकी एक लेग कैसी है, वुडन की है. That's why with such a terrible appearance he was looked very furious and his intentions were also seeming no good because he was climbing through the window and he had so many weapons with him. That's why his intentions are no good. उसका इरादा ठीक नहीं लग रहा. On seeing the pirate, Belinda became pale and she cried for help. Dog ran away. Dog the custard ran away in fear. भाग जाता है. Ink and Blink also hide in fear. वो भी भैंसे छिप जाते हैं. ठीक है, और लिटिल माउस कहाँ चला जाता है, वो भी अपने बिल में छिप जाता है. Then
कस्टर्ड फोर्ड ब्रेवली एंड स्वालोड द पायरेट। ठीक है, एक ब्रेवली क्या करता है, कस्टर्ड ही बहादुरी से लड़ता है और ड्रैगन को स्वालो कर जाता है। कस्टर्ड अटैक द पायरेट विद हिज पावरफुल टेल, अपनी पावरफुल टेल से एक अटैक करता है उस पर ऐसे झपट पड़ता है जैसे कि कोई रॉबिन नाम का पक्षी कीड़ों पर झपट पड़ता है। ठीक है, द पायरेट फायर टू बुलेट्स एट कस्टर्ड बट दे मिस द एम, दो बुलेट चलाता है लेकिन बिकॉज ही वॉज कन्फ्यूज दैट्स वाई ही मिस हिज एम, कस्टर्ड स्वालोड हिम एट वंस, और इतना करते ही वो कस्टर्ड उसको निगल जाता है। सो ऑल द अदर एनिमल्स बिकेम वेरी हैप्पी, बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मास्टर लिक्ड हिम एंड इंकल ब्लिंक डांस वेरी जॉयफुली अराउंड हिम बिकॉज दे प्रेज्ड हिम वेरी मच एट दैट टाइम, बट सून आफ्टर दे बिकेम नॉर्मल। ठीक है, दे started their bragging again, once more they seemed very braggart person. ठीक है, it seemed that no one regretted for the pirate and they again started telling about themselves. What that the tiger, a tiger says that he would be twice brave if he was not confused. Ink and Blink also braggart about themselves that they could be thrice brave in comparison to the dragon if they have not became confused. But the poor Custard, the dragon, did not boast of his bravery. He again demanded for his nice and safe cage. Okay? So in this poem, it is shown that all the other creatures, what they did, they didn't leave their habit of bragging, but dragon always cried for nice safe cage, but at the time of crisis, he did what? He helped them and escaped them from the attack of that pirate. ठीक है, उनको बचा लेता है। उसके बाद चलो हम करते हैं अपना मैसेज, ठीक है, कि हमें इस पोएम से क्या मैसेज मिलता है। ओके, सो द मैसेज, द पोएम कन्वेज द मैसेज दैट वी मस्ट नॉट जज अ पीपल फ्रॉम देयर अपीयरेंस और फ्रॉम देयर ओन क्लेम्स बिकॉज अपीयरेंस यूजली प्रूव टू बी डिसेप्टिव एंड क्लेम्स प्रूव टू बी फॉल्स। पोएम हमें मैसेज देती है कि हमें किसी भी पर्सन को जज नहीं करना उसके अपीयरेंस की वजह से, उसके दिखावे की वजह से, या जो वो अपने बारे में क्लेम करते हैं उसकी वजह से बिल्कुल उनको जज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपीयरेंसेस हमेशा डिसेप्टिव होते हैं और क्लेम हमेशा झूठे निकल आते हैं। ठीक है, ट्रू इवेल्युएशन किसी भी पर्सन की कब होती है, जब एडवर्स सिचुएशंस होती हैं, विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं। एक और मैसेज हमें इस पोएम से मिलता है दैट दोज हु आर रियली ब्रेव नीड नॉट बोस्ट ऑफ देयर ब्रेवरी, कि वो जो वास्तव में ही बहादुर होते हैं उनको अपनी ब्रेवरी के बारे में बोस्ट ऑफ करने की, बड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर मैटर इज प्रूव्ड, उनकी ब्रेवरी बिल्कुल प्रूव हो जाती है ओनली व्हेन दे एनकाउंटर डेंजरस सिचुएशन, जब वो डेंजरस सिचुएशन से एनकाउंटर होती हैं तभी उनकी ब्रेवरी प्रूव हो जाती है। ठीक है, आई थिंक यू विल डू ऑल द थिंग्स टिल नाउ, सो एंड इफ यू फील एनी डाउट देन आस्क मी, टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।